नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। महिलाओं में अद्भुत शक्ति होती है कुछ भी कर गुजरने की, जिसका परिणाम है कि महिलाएं खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष तक सब तरफ अपना परचम लहरा रही हैं। तो वही बात करें राजनीति की, तो राजनीति में भी महिलाओं की कोई कमी नहीं है। ये महिलाएं अपने परिवार के साथ साथ देश प्रदेश की जनता का ख्याल रखने में भी माहिर होती हैं। और ऐसी ही एक महिला आज हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं योगी सरकार की पूर्व मंत्री स्वाति सिंह की, जो कि हमारे साथ मौजूद है। और आज हम उनके राजनीतिक सफर और उनके संघर्षों के बारे में उनसे कुछ चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वाति सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कैसे चयन किया कि आपको राजनीति में आना है? एकाएक आप परिवार में एक हाउसवाइफ की भूमिका निभा रही थी, रातों रात आप राजनीति में आ जाती है, तो उद्देश्य क्या था? जहाँ तक अगर उद्देश्य या चयन की बात करेंगी, तो मैं यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाती थी, उसके बाद मैंने कॉरपोरेट में भी काम किया। और चयन नहीं किया था मैंने, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई जिसकी वजह से मुझे एक लड़ाई लड़नी पड़ी। और आज उस लड़ाई की वजह से और मेरे पार्टी का जो मुझे आशीर्वाद मिला, उस वजह से मैं राजनीति में आ गई। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि महिलाओं के लिए ज़रूर मैं कुछ करना चाहती थी। जब मैं नौकरी करती थी, तब भी मेरी बहुत इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी कि मैं ऐसी महिलाओं के लिए कुछ काम करूँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ काम नहीं कर पा रही हैं वो। और वो मैं चाहती थी कि वो फाइनेंशियल या मॉनेटरी टर्म्स में वो स्वावलंबी बने। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं उन लोगों ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। और कहीं ना कहीं जो एक सपना था, उसको काफ़ी हद तक मैंने कोशिश किया कि अपनी पार्टी की विचारधारा से जुड़कर, अपने सरकार की विचारधारा से जुड़कर मैं उसमें काम करूँ। जी, आप एक शिक्षिका भी रही हैं, और जिस तरह से पढ़ाई के क्षेत्र में महिलाएं पहले घर पर रहती थी, पांचवी कक्षा तक वो पढ़ाई करती थी, बहुत मुश्किल से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाती थी, आज के वक्त में जो बदलाव हुआ है, किस तरह से देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदल रहा है, कहीं ना कहीं हमारे देश की महिलाएं और भी सशक्त होते जा रही हैं। उसमें ये कहने में मुझे कोई गुरेज भी नहीं है कि जो सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से इस देश की बागडोर को संभाला है, और उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी जी ने प्रदेश की बागडोर को संभाला है, बहुत सारी योजनाएं हम बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए लेकर आए हैं। धीरे धीरे महिलाएं सशक्त हो रही हैं। मैं आपको ज़रूर उस ओर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगी। पीछे मुड़कर देखिए, पहले ज़माने में जो महिलाएं पढ़ी लिखी भी होती थी, वो सिर्फ घर में अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी, वहीं तक सीमित रहती थी और घर का काम देखती थी। आज अगर मैं एक महिला की बात करूं, तो वो मल्टीटास्कर हो गई है। वो घर का भी काम करती है, वो महिला ऑफिस का भी काम करती है, अपने बच्चे को पढ़ाने का काम, बच्चे को स्कूल ले जाने ले आने का काम, सब कुछ, सारा काम उसके कंधों पर आ गया है, और उसका बहुत अच्छे से वो निर्वहन भी कर रही है, हर एक महिला, हर एक नारी। जी, आप एक महिला हैं, आपकी एक बेटी भी है, और पहले के समय में कितने अपराध होते थे महिलाओं के ऊपर, ज़्यादातर महिलाएं इस अपराध का शिकार होती थी, और अब की सरकार में माना जाता है कि बहुत ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा बढ़ गई, तो पर्सनली आप किस तरह से देखती है, क्या कुछ बदलाव हुआ है पहले की सरकार में अब की सरकार में? पहले लड़कियां घर से बाहर रहती थी रात 8 बजे के बाद, तो माता पिता को डर लगा रहता था, तो क्या आज ये बदलाव आ गया है कि रात 12 बजे तक भी अगर लड़कियाँ घर से बाहर रहे तो माँ बाप निश्चिंत रहते हैं? देखिए, हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ पर महिलाओं और बेटियों को पूजा जाता है। जिस देश में एक ऐसी संस्कृति है जहाँ हम नारी की पूजा करते हैं, चाहे वो दुर्गा के रूप में, चाहे लक्ष्मी के रूप में, चाहे सरस्वती के रूप में, कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय जैसे जैसे बदलता गया, इतनी कुरीतियाँ आ गई हमारे समाज में, इतने विचार ऐसे दुष्प्रभावित हो गए कि कहीं ना कहीं हमारे घरों की बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहीं। लेकिन फिर मैं कहूँगी, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कि 2017 के पहले यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कैसा था। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि पहले बेटियों को 8 बजे के बाद अगर वो घर से बाहर रहती थी तो लोग डरते थे। आज आप भी वर्किंग हैं, मुझे लगता है कि लेट नाइट आप अपने घर जाती होंगी। कभी आपको ऐसा लगा, लखनऊ में हैं आप, कभी आपको ऐसा माहौल लगा कि आपको सुरक्षा की दृष्टि से शायद आपके मन में कोई विचार आ रहा हो? तो मैं एक महिला हूँ और एक बेटी की माँ हूँ, उस नाते मैं स्वयं निश्चिंत रहती हूँ, क्योंकि मैं लगभग 30 साल हो गए मुझे इसी लखनऊ में, तो पहले के भी जो परिस्थितियां थी उससे भी मैं अवगत हूँ, और आज वर्तमान में जो परिस्थिति है उससे भी मैं अवगत हूँ। और मैं एक आम माँ के रूप में, एक आम महिला के रूप में ये मैं कह सकती हूँ कि हम सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, और देश में भी वही परिस्थिति अब धीरे धीरे आ रही है।
लेकिन अपराध एकदम जीरो नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि बहुत कंट्रोल कर लिया गया लेकिन जीरो नहीं हुआ है। और अगर बात करी जाए शहरी क्षेत्रों की, तो शहरी क्षेत्रों में माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का क्या, अभी भी वहाँ पे अपराध देखने को मिलते हैं? क्या लगता है कुछ अभी भी बदलाव की जरूरत है? देखिए, अगर मैं ये कहूँगी यहाँ बैठ करके कि अपराध बिल्कुल शून्य हो गया है तो ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन जरूर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो स्थितियाँ थी, जो परिस्थिति थी, अपराध की दृष्टि से अगर हम देखें, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की दृष्टि से देखें, या किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से देखें, चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, तो उसको काफ़ी हद तक हम लोगों ने कोशिश किया है कि कम करें और उसी ओर अग्रसर हैं। भविष्य में हमारी कोशिश है कि इन चीज़ों को जितना कम से कम कर सके, जितना एक जीरो टॉलरेंस की विचारधारा से हम आगे, हमारी सरकार काम कर रही है और उस ओर अग्रसर हैं। और मुझे लगता है कि समाज का भी बहुत सहयोग है इसमें और वो चीज़ें उतर कर आएंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री रहते हुए आपने महिलाओं के लिए क्या क्या काम करे हैं? देखिए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो शायद बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी योजना लेकर आए, महिलाओं के लिए बहुत योजना लेकर आए। आप अगर मैं पेंशन की बात करूँ तो जो विधवा पेंशन योजना था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया। मैं 60 साल वाला जो बुज़ुर्गों को जो हम पेंशन देते थे, क्योंकि उसमें महिलाओं को भी मिलता है, वो भी हम लोग उसको भी बढ़ा कर ले आए। और यही नहीं, पहले ऐसा था कि अगर किसी महिला को जो विधवा हो गई है किसी कारणवश, उसे हम पेंशन देते थे, 60 साल के बाद उसका वो पेंशन बंद हो जाता था और फिर उसको वृद्धा पेंशन में अपना रजिस्टर कराना पड़ता था। तो ये बहुत डायरी प्रोसेस था। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर कोई विधवा महिला है तो उसी योजना के तहत वो पेंशन लेती रहेगी, उसको बार बार स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह, देखिए भारत सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह चलाया जाता है। बाल विकास पुष्टाहार में हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राशन बांटने के लिए हम लोगों ने उसमें एंगेज किया। यही नहीं, जो पुष्टाहार में जो दलिया बनाने का काम था, उसके सारे ही ब्लॉक्स में यूनिट बनाने के लिए काम हुआ कि यूनिट बनाएंगे हम और उसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही उसमें काम करेंगी, ताकि हम उनको आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बना सकें। मैं कोविड का यहाँ पर जरूर उल्लेख करना चाहूँगी। कोविड के टाइम हम लोग एक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लेकर आए और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य था जो उस योजना को लेकर आया, और उसके बाद और भी प्रदेशों ने उस योजना को थोड़ा मॉडिफाई करके या उसी तरीके से उन लोगों ने अपने प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट किया कि जो बच्चे कोविड के कारण उनके माता पिता दोनों या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, जिसके माध्यम से उस घर में आय का जो स्रोत था, तो उसको हम लोगों ने उन बच्चों को 4,000 रुपये मंथली देने का निर्णय लिया उस योजना के तहत। उस समय एक सवाल ये भी उठा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कोविड का टेस्ट नहीं करा पाए, ये चीज़ें सामने आई ही नहीं कि उन कोविड की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु हुई। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य लेकर आए कि ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश अनाथ हो गए हैं, उनके माता पिता दोनों या कोई गार्जियन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो रही है, तो और उनके पास कोविड के टेस्ट की भी कोई रिपोर्ट नहीं है, उन बच्चों को भी हम पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का हमने काम किया। तो ये तो मैं आपको ऐसी योजनाएं बता रही हूँ जो शायद काफ़ी लोग जानते हैं इन विषयों पर। अगर मैं उन योजनाओं को शुरू करूं तो पूरा दिन मुझे लगता है कि हो जाएगा कि महिलाओं के लिए क्या योजना आई, बच्चों के लिए क्या योजनाएं, बहुत सारी हैं। अगर बात करें आपके संघर्ष की, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आसान नहीं रहा है आपका सफ़र भी, और आपने जब चुनाव पहली बार योगी कैबिनेट में मंत्री बनी, उसके बाद आपके काम की खूब सराहना हुई, लेकिन दूसरे कार्यकाल में आपको टिकट नहीं मिला, क्या कमी रह गई, कौन सी गलती मानती है, या फिर क्या वजह मानती है कि दूसरे कार्यकाल में आपको टिकट नहीं दिया गया? क्या लगता है कि आपको उससे बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है क्या? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय था। 2017 में भी पार्टी ने जब मुझे टिकट दिया तो वो पार्टी का ही निर्णय था, और 2022 में जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो भी पार्टी का निर्णय था। और मुझे लगता है कि मैं पार्टी के पार्टी इस बात को मानती भी है कि पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, और भविष्य में ज़रूर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार या किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये पार्टी कार्यकर्ताओं से बनी हुई है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इस पार्टी में हर एक कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाता है, और डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि पार्टी मेरा भी ध्यान रखेगी, और ध्यान रखा है पार्टी ने। अगर ऐसा नहीं होता, पार्टी अगर मुझे नहीं करती, तो आज मैं आपके सामने बैठकर बोलने लायक ही नहीं होती। एक सीट खाली है एमएलसी की, क्या लगता है वो स्वाति सिंह की झोली में जाने वाली है क्या?
देखिए ये तो पार्टी का निर्णय होगा और मुझे लगता है कि इस विचारधारा से हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता काम भी नहीं करता है कि हमें MLC की जो एक सीट खाली है वो मिल जाए तभी हम काम करेंगे। जिस विचारधारा से मैं जुड़ी हुई हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा महिलाओं को आगे बढ़ाने की विचारधारा है, देश हित में राष्ट्र हित में काम करते हैं, जनमानस के लिए काम करते हैं, तो जब ऐसी विचारधारा से जुड़ी हूँ, हमारी पार्टी की विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी आगे लेकर आना है, ऐसी विचारधारा से जुड़े हैं तो उसी विचारधारा के साथ में काम कर रही हूँ। अच्छा, दुश्मनों से लड़ना आसान होता है लेकिन अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, आपके सामने आपके पति चुनौती बन गए। मैं चुनौती तो नहीं मानती हूँ लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि हर महिला को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सारे संघर्षों का सामना मैंने भी किया या मैं बहुत सारे संघर्षों का सामना आज भी मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये जो आपका सवाल है, क्योंकि मैं भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ, मुझे पता है कि मेरी मर्यादाएँ क्या हैं, मैं किस संस्कृति से आती हूँ और मुझे लगता है कि भारतीय नारी होने की वजह से और वो परंपराओं से मैं बंधी हुई हूँ, उन मर्यादाओं से मैं बंधी हुई हूँ, तो किसी भी अपने पर्सनल चीज़ों को मुझे लगता है पब्लिक डोमेन पे नहीं डिस्कस करना चाहिए। जी, आपने पहले कार्यकाल में, योगी सरकार के पहले कार्यकाल में काफ़ी काम किए और उसके बाद अब आप कहीं ना कहीं लाइमलाइट से बहुत दूर हैं और एक स्वाति फाउंडेशन चला रही हैं जिसमें आप सोशल वर्क करती हैं, उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। मतलब उसमें क्या कुछ काम किया जाता है, मतलब आपको सरकार के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई थी तो वो तो अब आपके पास नहीं है लेकिन आप अलग से भी पर्सनल तौर पर भी अब आप सोशल वर्क कर रही हैं, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। मैं आपको स्वाति फाउंडेशन जब मैंने बनाया, क्योंकि जब पिछले 5 साल मेरे पास एक क्षेत्र रहा सरोजनी नगर इसी लखनऊ में और उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी काफ़ी हद तक आता है, तो जब महिलाएं बहुत हैं लगभग मेरे क्षेत्र में, जो हम आधी आबादी की बात करते हैं तो सरोजनी नगर में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व है, पूरा आधा प्रतिनिधित्व है। वहाँ जब मैं महिलाओं से मिली तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज आज़ादी के, मैं 2017 की बात कर रही हूँ, कि आज़ादी के लगभग 70 साल हो गए उसके बाद भी आज हमारे देश की महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं इस बात को, उन्हें पता ही नहीं है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमें सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आज मैं सर्वाइकल कैंसर की बात करूँ तो ज़्यादातर महिलाएँ सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं। ये एकमात्र ऐसा कैंसर है जो कि अगर आप महावारी के टाइम में, पीरियड्स के टाइम में अगर आप स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं तो उससे सर्वाइकल कैंसर होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता की ओर सबका ध्यान उन्होंने आकर्षित किया, इसीलिए शौचालय का निर्माण किए, वो भी प्रमोट करते हैं, एक पिंक पैड के नाम से आता है, वो भी उस बात को प्रमोट करते हैं। उन्होंने भी एक मैसेज देने का काम किया कि इस देश की महिलाएँ सैनिटरी नैपकिन को यूज़ करें, हाइजीन का ध्यान रखें। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि आज आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमारे देश की, हमारे समाज की महिलाएं आज, उन्हें पता नहीं है कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, स्वच्छता कितना आवश्यक है। इसलिए स्वाति फाउंडेशन के माध्यम से मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाती हूँ मेरे पूरे क्षेत्र में। मैंने नाबार्ड के माध्यम से काम किया, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से, आज भी प्रोडक्शन चल रहा है वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन का। मैं टाटा ट्रस्ट के माध्यम से अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाती थी, उस अवेयरनेस के प्रोग्राम को स्वाति फाउंडेशन के माध्यम से भी मैंने शुरू किया और जो भी ज़रूरतमंद, जो गरीब महिलाएँ हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ ताकि एक अवेयरनेस आए। और एक चीज़ और बताऊँ, ऐसा नहीं है कि आजीवन मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन दूंगी, क्योंकि अगर मैं सरोजनी नगर की बात करूं तो ज़्यादातर महिलाएं वहां पर, क्योंकि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, मैंने बहुत सारे काम उनको ऐसे शुरू करा है जिससे एक आय का स्रोत उनका बना है, तो उनको मैंने ये अवेयरनेस भी किया कि आप एक साड़ी कम लो, आप एक साड़ी, दो साड़ी साल में कम लीजिए लेकिन हर महीने आपको एक सैनिटरी नैपकिन का एक पैकेट लेकर के आना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है, क्योंकि भारतीय समाज में एक महिला घर की धुरी होती है, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका पूरा परिवार धीरे धीरे बीमार हो जाएगा। तो ये इन चीज़ों को देख करके मैंने स्वाति फाउंडेशन बनाया और इसी क्षेत्र में काम करती हूँ मैं, दिव्यांगजन के क्षेत्र में काम करती हूँ उनको। अभी मैंने एक सेमिनार भी किया स्वाति फाउंडेशन के माध्यम से कि बहुत सारी ऐसे बहुत सारे दिव्यांग हैं जो कि थोड़े थोड़े से इलाज से वो उनको हम परमानेंट डिसेबिलिटी से बचा सकते थे, और मैंने अपने क्षेत्र में किया भी। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको लोगों ने गांव में ये बोल दिया था ये तो अंधा है अंधा है, जब डॉक्टर से दिखाया गया
तो छोटे छोटे ऑपरेशन से उन बच्चों की रोशनी वापस आ गई। भारत सरकार इतनी अच्छी योजना चलाते हैं कि अगर कोई सुन नहीं पा रहा है, किसी को सुनने में अगर प्रॉब्लम है, तो 8 लाख तक का इक्विपमेंट जो कि इनबिल्ट होता है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो अवेयरनेस की कमी है, उन अवेयरनेस को मैं जो जितनी भी सरकार की योजनाएं चलती हैं, भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की, मैं लोगों तक पहुंचाने का काम करती हूं और कैंप लगा करके उन योजनाओं को उनको उसमें इंप्लीमेंट करती हूं। अभी बात हुई थी स्वच्छ भारत अभियान और शौचालय की, तो कई ऐसी खबरें भी सामने आती है जहाँ पे शौचालय का पैसा तो आवंटित किया जाता है लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, बीच में ही उनका बंदरबांट हो जाता है। देखिए, यही समस्या थी, इसीलिए भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो भी इसका लाभार्थी होगा सीधे हम उसके अकाउंट में पैसा देंगे, और उसको हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांटा कि 6,000 पहले जाएगा, और जब वो एक लेवल हमने तय किया कि इतना जब वो बना लेंगे इस लेवल तक, तब हम दूसरा किस्त उनको देंगे। तो कहीं ना कहीं जो आप समस्या बता रही हैं, भारत सरकार ने देखा कि हाँ ये समस्याएं आ रही हैं, जो सही लाभार्थी है उन तक वो पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए हम लोगों ने उस योजना को थोड़ा मॉडिफाई किया। और उसके बाद आप देखिए, जाकर क्षेत्र में देखिए, सभी ने शौचालय बनाया है। जी, विधानसभा चुनाव के बाद से कहीं आप सुर्खियों से गायब है, चर्चाओं में नहीं है, लेकिन आने वाले चुनाव की तैयारी करती हुई आप जरूर नजर आ रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सुर्खियों में रहना नहीं रहना, मुझे लगता है कि एक कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी का हिस्सा हूँ और काम कर रही हूँ। आगामी चुनाव में भी पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, जो भी काम देगी, मैं बहुत ही सही तरीके से मैं उसका निर्वहन करूँगी। और पार्टी किसी को भी, मैं फिर दोबारा यहाँ बोलूँगी, ये ऐसी पार्टी है जहाँ पर किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी इग्नोर नहीं करती है, और ये तो भारतीय जनता पार्टी ही कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जी, आने वाले चुनाव, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उनको किस तरह से देखती, क्या कुछ तैयारी चल रही है, और इस बार जिस तरह से आज भी बैठक हो रही है और महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है जागरूक करने के लिए, कार्यकर्ताओं को अब जो है हॉस्टल्स या फिर न्यू वोटर्स के पास भेजा जा रहा है जागरूक करने के लिए, इसमें आपका रोल क्या रहेगा और जो महिला कार्यकर्ता है वो किस तरह से जागरूकता लाएंगी लोगों? देखिए, जहाँ तक आप महिला कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, तो महिलाएं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू से अग्रणी भूमिका में रहीं, शुरू से वो केंद्र बिंदु में रहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, आप देखिए कितनी सारी योजनाएँ हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे अगर मैं इज्जत घर की बात करूँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत, चाहे मैं प्रधानमंत्री आवास की बात करूँ, सभी योजनाएं ऐसी, चाहे मैं स्वयं सहायता समूह की बात करूं, इतनी सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। मैं 3 तलाक की बात करूंगी कि 3 तलाक, आप सोचिए, वहां पर किसी जाति या धर्म विशेष की बात नहीं थी, वहां एक नारी के मान सम्मान की और उसकी अस्मिता की बात थी, वो हमारी पार्टी ने किया। तो हम तो शुरू से महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर काम कर रहे हैं। आप प्रदेश में देखिए, अभी मैंने उल्लेख किया था कि किस तरह से हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हम लोगों ने अलग अलग योजनाओं में इंगेज किया है, तो महिलाओं की अग्रणी भूमिका भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शुरू से रही है और भविष्य में भी रहेगी। जिन बैठकों की आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हम इस बात को मानते हैं कि इस देश में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व आधा है, और इसीलिए हम उस आधी आबादी को उनके बीच में भेज रहे हैं। महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि सरकार तो इसका समर्थन कर रही है लेकिन जो विपक्ष है उसकी अभी भी कई मांगे हैं, जिस तरह से SC ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग, या फिर इसे 2039 से पहले लागू करने की मांग, तमाम ऐसी मांगे हैं जिस तरह का विपक्ष मांग कर रहे हैं, तो आप इसे किस तरह से देखती हैं? आप भी एक महिला हैं यहाँ पर, वैसे तो मुझे आपसे प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मैं प्रश्न आपसे जरूर करूँगी, और मुझे लगता है उस रिजर्वेशन से आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ना है, क्योंकि आपकी लाइन दूसरी है हमारी लाइन, हम वो पॉलिटिकल महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात हुई है। आप खुश हैं या नहीं हैं? खुश तो सब है, जब महिलाओं के लिए कोई भी नई स्कीम आएगी तो खुशी तो सबको होती है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से अब, जब उसकी वोटिंग हुई, मात्र 2 वोट विपक्ष में पड़ा, उसके विरोध में मात्र 2 वोट पड़े, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जानता है कि अगर हम महिलाओं का विरोध करेंगे तो हमें आगामी चुनाव में या भविष्य में ये आधी आबादी इसका जवाब भी दे देगी, क्योंकि हमारी पार्टी या माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेते हैं वो देश हित में, राष्ट्र हित में और जनमानस के हित में लोगों के लिए काम करते हैं। उन्होंने
आधी आबादी के लिए काम किया और वो ये इस बिल को लेकर आए 33% रिजर्वेशन का। लेकिन जिन लोगों ने वोट तो किया वो नहीं चाहते हैं कि महिला बिल पास, नहीं चाहते थे कि पास हो, उसके बाद वो नहीं चाहते हैं कि इस पर कोई सकारात्मक दृष्टि से काम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में महिला विरोध तो है, महिलाओं का विरोध तो वो करना चाहते हैं, इसलिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आगे के फ्यूचर के विजन क्या रहेंगे? लोकसभा चुनाव आने वाला है और ऐसा भी माना जा रहा है कि स्वाति सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, तो तैयारी आपकी क्या रहेगी? देखिए, पार्टी का जो भी निर्णय होगा, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और 2017 से देख लीजिए, जो भी पार्टी ने 2016 से, इनफैक्ट मैं बोलूँगी 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मैंने सहस्र स्वीकार किया उसको, फिर मुझे विधायक का टिकट मिला, एक विधानसभा सीट सरोजनी नगर से टिकट दिए, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया, उसको भी मैंने पार्टी का निर्देश और आदेश मानकर मैंने स्वीकार किया। 2022 में पार्टी ने किन्हीं कारणों मुझे टिकट नहीं दिया, वो भी मैंने सहर्ष स्वीकार किया। भविष्य में पार्टी का जो भी निर्णय होगा, डेफिनेटली मैं उसको पूरे सम्मान के साथ उनके निर्णय को मैं स्वीकार करूंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस महत्वपूर्ण अपना समय देने के लिए और बातचीत के लिए। तो हमारे साथ योगी सरकार की पूर्व मंत्री स्वाति सिंह जुड़ी हुई थी और हमने उनसे उनके सफर साथ ही साथ राजनीति के बारे में चर्चा करी कि उनके आगे के विजन क्या है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि महिलाओं को जिस तरह से वरीयता दी जा रही है इस भाजपा सरकार में, तो स्वाति सिंह को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो उनका यही कहना है कि जो भी निर्णय होगा वो उनको स्वीकार होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए आज की खबर।